उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने नामांकन किया। यूपीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने भी नामांकन किया। यूपी में दलितों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए मायावती ने बात न सुने जाने पर राज्यसभा से इस्तीफा देने की धमकी दी। पाकिस्तान ने पुंछ के बालकोट सेक्टर में एक बार फिर सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की, जिसमें एक जवान घायल हो गया। पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए जवान मुदस्सर अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। चीन ने फिर अड़ियल रवैया दिखाते हुए डोकलाम से भारत को सेना हटाने को कहा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि चार अभी भी जंगल में छिपे हुए हैं। सिंध प्रांत में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पीओके के छात्र को बिना सरताज अजीज के लेटर के वीजा देते हुए पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया। अलग झंडी की मांग पर शिवसेना ने कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीएसईएस के इंजीनियर की मौत मामले में दो युवकों की पहचान की गई, जिस पर धमकी, मारपीट और पीछा करने का आरोप है। गुजरात के अहमदाबाद, वलसाड़ और नवसारी में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। महाराष्ट्र के कई जिले समेत मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया। परिवार पर हुए हमले के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सुरक्षा की मांग की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। केंद्र सरकार तेजी से भारत चीन सीमा पर 73 सड़कों का निर्माण कर रही है। कांग्रेस ने हिंदू सरकार फिल्म का विरोध करते हुए निर्देशक मधुर भंडारकर के खिलाफ नारे लगाए। भारत अरुण टीम इंडिया के बॉलिंग कोच होंगे, जबकि द्रविड़ और जहीर भी सलाहकार के तौर पर भारतीय टीम से जुड़ेंगे।